और इस वक्त एक पॉलिटिकल खबर आपके सामने। कल दोपहर 12 बजे कन्नौज में नामांकन दाखिल करेंगे अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के मुखिया। कन्नौज से ही चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव। टीवी 9 भारतवर्ष ने यह खबर सबसे पहले आपको दी थी और अब इस खबर पर मुहर लग चुकी है। कन्नौज से ही चुनाव लड़ेंगे अखिलेश यादव। और पंकज झा, जिन्होंने सबसे पहले यह खबर टीवी 9 भारतवर्ष के दर्शकों को दी थी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। कल दोपहर 12 बजे अखिलेश यादव नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। पंकज, यानी पूरी तरह से टीवी 9 की खबर पर मुहर लग गई। जी हाँ, अखिलेश तो अभी इस पर सस्पेंस बनाए रखना चाहते थे और आज शाम आधिकारिक घोषणा होगी, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो प्रिंसिपल जनरल सेक्रेटरी हैं रामगोपाल यादव, उन्होंने फोन पर ये इस बात की जानकारी दी है कि कल दोपहर 12 बजे अखिलेश यादव कन्नौज से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर नामांकन करेंगे। यानी जिस सीट पर पहले तेज प्रताप यादव को नामांकन करना था, अब खुद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष वहां से चुनाव लड़ेंगे। ये कंफ्यूजन क्यों? पहले तेज प्रताप यादव का नाम आता है सामने, लिस्ट जारी हो जाती है, फिर उसके बाद अब उनका टिकट कटेगा, अखिलेश यादव वहां से चुनाव लड़ेंगे। देखिए, बात ये थी कि तेज प्रताप यादव परिवार के ऐसे सदस्य हैं जो पहले भी लोकसभा के सांसद रहे, उनकी जिद थी कि वो चुनाव लड़े, तो ये हुआ कि कन्नौज से उन्हें चुनाव लड़ाया जाए, इसीलिए उनकी उम्मीदवारी की घोषणा भी कर दी गई थी 22 तारीख को दोपहर करीब 2 बजे। लेकिन उसके बाद ये हुआ कि समाजवादी पार्टी की जो यूनिट है कन्नौज की, उसने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि चुनाव अगर लड़ना है तो सिर्फ अखिलेश यादव को ही हम लड़ा सकते हैं अपनी पार्टी के अध्यक्ष को, और आखिरकार उन्हें अपना फैसला बदलना पड़ा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज, आपका इस बड़ी खबर को हम तक पहुंचाने के लिए। पंकज झा बता रहे हैं कल दोपहर 12 बजे नामांकन दाखिल करेंगे अखिलेश यादव।